नमस्कार, मैं सनी तुसीर। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थी, तभी उसकी मौत हो जाती है। मौत कैसे हुई? दरअसल हरियाणा रोडवेज के जरिए एक बहन दिल्ली से लुधियाना की तरफ जा रही थी, तभी अलीपुर नेशनल हाईवे 44 शनि मंदिर के पास उसको उल्टियां लगने लग जाती है। तभी वो अपना सिर खिड़की से बाहर निकालती है और पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है और वो ट्रक उस बहन का सिर ही उड़ा ले जाता है और बहन की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, जो ड्राइवर था, कुछ जो हरियाणा रोडवेज में सवारियां मौजूद थी वे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछताछ करेंगे। लेकिन आज रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन वाले दिन इस तरीके का हादसा बड़ा ही दुखनीय है, क्योंकि एक बहन जब दिल्ली से अपने भाई को राखी बांधने के लिए लुधियाना जा रही होती है पूरे परिवार के साथ, उसको उल्टियां आती है, खिड़की से मुंह बाहर निकालती है, तभी पीछे से एक ट्रक आता है और जोरदार टक्कर उसके सिर में मार के वहां से रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल हरियाणा रोडवेज का एक कर्मचारी और कुछ सवारी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? सर, ये बस दिल्ली से लुधियाना के लिए जा रही थी, ये रास्ते में जो शनि मंदिर है वहाँ ट्रैफिक थी, वहाँ ट्रैफिक बस को साइड में लगा दिया गया, तो जो गाड़ी लड़की जो बीच में बैठी थी, एक महिला थी, वो उल्टी करने के लिए अपना मुंह बाहर निकाला उसने, तो गाड़ी जो साथ में कोई टेम्पो वो 4-7 की गाड़ी कौन सी थी वो टक्कर मारी वो लड़की का मुंह। जो टाइम पे एम्बुलेंस पहुंच जाती वहाँ ये लड़की बच सकती थी, पर ड्राइवर चार को सबने बोला भी, सब आदमी 15-20 आदमी फोन करा, किसी ने को एम्बुलेंस कोई नहीं वहाँ पे आई। तब भाई साहब ने फिर ड्राइवर जो गाड़ी का रोडवेज का है, इन्होंने बस बजा के ले आके इसमें हॉस्पिटल में लेके उनको लेके आया, बेचारे को बच जाए, इन्होंने अच्छा काम करा, लेकिन वो बच नहीं पाई, इनकी बच नहीं पाई, इनकी कोई गलती नहीं ड्राइवर साहब की, ये बेचारी गाड़ी टाइम से पहले लेके पहुंचाई गाड़ी इन्होंने यहाँ पे। देखिए, ये हरियाणा रोडवेज है और ISBT से ये सीधा लुधियाना की तरफ जा रही थी, तभी एक पूरा परिवार इस बस में सवार होता है, उनके साथ एक उसकी बड़ी बहन होती है, एक छोटी बहन होती है, साथ में बच्चे और उनका एक जीजा भी उसमें साथ मौजूद होता है। फिलहाल जो मृतक है उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, बेबी उसका नाम है, उसको उल्टी आती है, ISBT से जैसे ही अलीपुर नेशनल हाईवे 44 शनि मंदिर तक पहुंचती है तो खिड़की से बाहर मुंह वो 20 साल की बेबी अपना मुंह बाहर निकालती है, तभी पीछे से एक टेम्पो आता है और उसकी जोरदार टक्कर जो है वो उस लड़की के सिर में जाकर लगती है। टेम्पो टक्कर मार के तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन लड़की को समय रहते अस्पताल में नहीं पहुंचाया जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर भी हमारे साथ है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। नमस्कार जी, मैं हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर हूँ, दीपो मेरा कुरुक्षेत्र है। मैं दिल्ली से लुधियाना जा रहा था तो शनि मंदिर के पास पुल का काम चल रहा है, वहाँ पर ट्रैफिक का जाम था। जैसे मैं साइड में चल रहा था, मेरे बराबर से पिकअप आई, एक लेडी ने वो सिर बाहर निकाला था, वो उसके साथ उसकी उसको उल्टी आ रही थी, उल्टी आ रही थी, बाहर निकाला खिड़की से। तभी क्या पीछे से टेम्पो आ रहा था? हाँ, पीछे जमीन रहा, टेम्पो आ रहा था, उसने उसमें टक्कर मारी, उसका सिर लगे उसमें और उसकी मौत हो गई। फिलहाल मेरी आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है, कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको उल्टी आती है वो गाड़ी से सीधा खिड़की से बाहर मुंह निकाल लेते हैं, कई बार ना जाने किस तरीके के ये हादसे हो जाए और आपको अपनी जान ना गंवानी पड़े। काफी लोग यहाँ पर ऐसे ही मौजूद है, ये देखिए सवारियां जो हरियाणा रोडवेज बस के जरिए अलग अलग स्टेशनों पर इनको उतरना था, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाता है और वो भी रक्षाबंधन के दिन की, जब एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाती है, बड़े ही अरमान लेकर जाती है, लेकिन अब उसका भाई शायद इंतजार ही कर रहा होगा और बहन अब इस दुनिया में नहीं रही है। कुछ और भी लोगों से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे, आप भी रोड बस में ही थे? नहीं जी, ये गलत हुआ। आप बस में ही थे उस टाइम? नहीं जी, आप बस में नहीं थे, बस में कौन था उस टाइम? हैं, आप थे बस में? हाँ जी जी सर, मैं बस में था। अच्छा, हाँ जी सर। कैसे ये हादसा हुआ? ये हादसा सर हुआ कि क्रॉसिंग पे ये गाड़ी एकदम स्लो हो गई और लड़की का पलटी आई और लड़की ने सिर बाहर निकाला और सिर निकालते ही पीछे से कोई गाड़ी आई ऐसी, हम तो देख नहीं पाए जी, और वो टक्कर मार के चली गई। उसके बाद 15-20 मिनट तक गाड़ी बगल में साइड में उनके परिवार जनों ने रोना पीटना शुरू किया, फिर इंतजार किया एम्बुलेंस को, सारी सवारियों ने फोन किया लेकिन एम्बुलेंस मौके पे नहीं आई। उसके बाद जब देख लिए तो फिर
पुलिस वालों की सहायता से बस वाले ड्राइवर को कहे चलो ले चलाए पूरी सवारी, आखिर यहाँ हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया, अब जहाँ पे उसे मृत घोषित कर दिया गया जी। अगर मौके पे एम्बुलेंस आ जाती तो हो सकता था कि बच्ची की जान बच बच्ची की जान बच जाए, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। यही वो बस है जिसमें वो सवारी जो है वो दिल्ली से लुधियाने की तरफ जा रही थी, एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थी, लेकिन अब उसके अरमान जो है वो रह गए। और यही वो खिड़की है जिस खिड़की से उस लड़की ने 20 वर्षीय बेबी ने जो है वो अपना सिर बाहर निकाला और मौके पर ही मौत होगी। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उनकी हेल्प करने की भी सोचिस, उनके पास पैसे तक नहीं थे, लेकिन कई सवारियां ऐसी थी जिन्होंने पूरी हेल्प की। ये भैया ऐसे है, इन्होंने 10,000 रुपए दे के तुरंत उनका इलाज करवाना चाहा, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया में नहीं रही। जी भैया, किस तरीके से आपने हेल्प की और क्या देखा? मैं नहीं बोलना चाहता, मेरी हिम्मत नहीं है बात करने की। ये देखिए भैया की हिम्मत भी नहीं हो रही है, इतने दिल से लगा ले, लेकिन इन भैया ने जो उनके लिए जो सहायता की है वो शायद आज के समय में कोई और कर पाए, लेकिन रक्षाबंधन वाला दिन था तो शायद इस भाई ने सोचा होगा कि इसकी जान बच जाए चाहे पैसे कितने भी लग जाए। इन्होंने तुरंत 10,000 रुपए की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही। तो अगर कोई भी लोग इसी तरीके से वो जाते हैं सफर करते हैं और खिड़की से बाहर, चाहे वो गाड़ी हो बस हो कार कोई भी हो, और वो खिड़की से बाहर तुरंत अपना मुंह निकालते हैं तो ना जाने पीछे से कौन सा ट्रक कौन सा टेम्पो आ रहा हो कि तुरंत एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि पीछे से एक टेम्पो आ रहा था और उसी टेम्पो से उसका एक्सीडेंट होता, सीधा उसके सिर में चोट लगती है जिससे वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो जाती है। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनीतु सिंह, दिल्ली समाचार।